तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय जम्मू के छन्नी में बैठक इस समय जो है वो समाप्त हो चुकी है, तार छोड़ना गुरु, वो समाप्त हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर इस समय डिपकॉम यहाँ से निकलते हुए दूसरा टोल के रिगार्डिंग जी, धरना ब्रिज के रिगार्डिंग जो एनएचआई के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे पीडी साहब ने बताया है विद इन 4-5 डेज वो कंप्लीट कर लेंगे, मतलब उसका जो वॉजवे बनाया जा रहा है जिससे उसके ऊपर ट्रैफिक चलाया जाएगा, दूसरा रोड की कंडीशन को इंप्रूव करेंगे, दूसरा टोल प्लाजा का इश्यू है वो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उसके साथ फॉलो कर रही है और इनके विश्वास दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उनको भी एनएचआई के साथ में उनके साथ में कंसल्ट करवाया जाएगा जिससे कि आप हम लोगों ने निगरान रख पाए और गवर्नमेंट इसके साथ में प्रोएक्टिवली इसके साथ में कर रही है। एनएचआई की टीम विजिट करके गई है तो होपफुली पॉजिटिव हो। वो यहाँ अभी बात कर रहे थे और यही हमें सुनने को मिला कि शायद 4-5 दिनों का समय जो है तो उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम मांगा है कि 5 तारीख तक पहले करनी नाला वाला जो है वो उसका वे बना दिया जाएगा, उसमें 5 तारीख तक उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और दूसरा विद इन डेज कल या परसों में एक हमारी टीम 3 या 4 मेंबरी जो टीम होगी वो टीम दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हमारी एक मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी 2 दिन में, उसमें हमारे जो 3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली जाएंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कराएंगे। और 2 या 3 दिन में उन्होंने आश्वासन मांगा है कि 2 या 3 दिन में ये जो टोल प्लाजा वाला मसला है आप दिल्ली पहुंच के हम वहां से आपको हल करवा देंगे, यहां से ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुकी है। अभी दिल्ली में भी अगर ये मसला हल नहीं हो तो आगे ट्रांसपोर्टर्स का क्या? आज आपने देखा है, आज तो हम सिर्फ एक अपनी झलक दिखाने के लिए आए थे, आज सिर्फ झलक दिखाने के लिए आए थे, ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। क्योंकि हमेशा आदमी को हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आज फर्स्ट टाइम हम जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है, उसमें हमारे सारे प्रधान साहबानों युवा राजपूत सभा की और सब प्रधान साहब विजय सिंह चावेर सबकी बात हुई तो हमने बोला कि आज हमने जो ट्रेलर दिखाया है तो हमारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं और हम सांबा जाएंगे या वापस जाएंगे? नहीं, आज के लिए हमने उनसे जो बातचीत हुई है आज हम वापस जाएंगे और हमारा जो सांबा भाई बैठे हुए हैं जो हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं हम उनके साथ भी मिलेंगे, वह युवा राजपूत सभा के प्रधान साहब आपको बताते हैं। तो इसके बाद जो उन्होंने टाइम लिमिट एक दी है उस लिमिट में अगर उनके टाइम में अगर नहीं होगा तो हम जैसे आज रैली नहीं, हमारे प्रधान साहब बोलते हैं रैला निकला था तो इसके बाद मगर ये इस ढंग से पीसफुल रैली नहीं होगी। और जो हुआ है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने देखा हम 1-1.5-2 घंटे से हम बैठे हुए थे तो डिपकॉम साहब ने खुद आए, उन्होंने आके ये बात बोली है जी 5 तारीख तक स्थगित की गई है जी, 5 तारीख हाँ जी 5 तारीख आश्वासन दिता गया कि जो सा पुल टुटे था 5 तारीख तोड़ी उस पुल की वो चलाई होंगे और साड़ी जेड़ी सांबा टीम बैठी दी है उनके कहने भी डिपकॉम साहब की साड़ी मीटिंग होगा जी क्योंकि आज अस जा रहे हैं सांबा टीम की आप गल करने और उन्हें डिपकॉम साहब कने मिलाने या डिपकॉम साहब उत्थे जाएंगे और एक गल होग और जो आश्वासन अं दिता गया और साड़ी 3-4 मैंबर कमेटी जी सा दिल्ली के वास्ते रवाना होग साड़ी गल होग और साड़ी गल जी अहीं लगा लगी पॉजिटिव हो क्योंकि अहीं इस गल पर आश्वासन दिता गया और अगर साड़ी गल नहीं मनाई गई दिंदी है तो उहदे वास्ते पहले भी तुसीं आख्या जिहड़ियां साड़ियां साढ़े लोग तैयार ने जेलों भरने तैयार हो जाओ अस उस गल पिछे पिछा नहीं है लेकिन साड़ी जी मांग है वो पॉजिटिव तरीके दिखी जा रही है और लगता कि साड़ी दवांगा जिहड़ियां बड़ी जल्दी जिहड़ियां मनोई तो यहाँ पर देखिए फिलहाल आइए किसी और से भी बातचीत करते हैं। उसमें सबसे पहले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी सब आए हुए थे, उसमें डिपकॉम साहब खुद आए, पहले एडीसी साहब आए हुए थे एसपी साहब थे उसके बाद डिपकॉम साहब खुद आए, उन्होंने दिल्ली भी बात की और उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम लिया कि पहले जो करनी नाला वाला ब्रिज है वो 5 तारीख तक अल्टरनेटिव ब्रिज जो है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद हमारे उन्होंने विद इन 2 डेज बोला है कि हमारी एक कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम जो है वो दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ हमारी विद इन 2 या 3 डेज में हमारी मीटिंग होगी, मगर उन्होंने लास्ट टाइम जो लिया 5 तारीख तक का टाइम लिया है। हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब भी आपने देखा होगा
तो रश्मि जी हमेशा बोलते हैं कि टेबल टॉक, तो आज भी टेबल टॉक में ही बात हुई है वहां में, मगर आज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को रोड में आना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए है, ट्रांसपोर्ट अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए है। आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि टोल आप सबका भी लग रहा है, खाली हमारा ही नहीं, आप सबका भी लग रहा है, आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया वालों का सबका धन्यवाद करूंगा जो इतनी गर्मी इतनी धूप होने के बावजूद भी जो हमारे साथ रोड में रहे। जी अजीत जी, पहले भी आपने समय दिया था 31 अगस्त तक, तो उस समय उसका क्या रिजल्ट आया? हमने 8 दिन पहले जो हमने एक समय दिया था कि हम 8 दिन का समय दे रहे हैं, 8 दिन के बाद हमारा चक्का जाम होगा, और आज आपने देखा होगा जो हमारी ट्रांसपोर्ट का ये आज ट्रेलर था, ये चक्का जाम का ट्रेलर था, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था कि JKUT में चक्का जाम होगा। तो उसी के 4 दिन पहले हमारी ही हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, सब ने हमें राय और एक रिक्वेस्ट की कि पहले हम सब एकजुट हों, जम्मू में इकट्ठे हों, जम्मू इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों। आज आपने देखा हम सब संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे, आज जो हमारा वार्ता का दौर चला है हम सब सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी देखा है कि जम्मू एकजुट है, और ये हमारी लड़ाई जो है जो जम्मू प्रशासन ने नहीं थी, जम्मू प्रशासन जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके वो दिल्ली तक हमारी बात पहुंचा रहा है, और आज हम जो है 5 दिन के बाद सरोर का मसला हल नहीं होगा। तो आज आपने ट्रांसपोर्ट का ट्रेलर देख लिया है, 5 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट आपको पूरी फिल्म दिखाएगी। सवाल आपसे ये है कि NHAI की टीम जब यहाँ पहुंची थी तो आंकलन करके चली गई है, फिर आप लोग यहाँ से क्या दिखाने जाएंगे, क्योंकि वो लोग खुद देख के गए अपनी आंखों से। देखिए आज जो हुआ है, डिफकॉम साहब ने बोला कि आपने जो आज यहाँ प्रोटेस्ट किया इसकी आवाज कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली तक पहुंची है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली ने अभी इंस्टेंट एक मीटिंग बिठाई है, हो सकता है सुबह तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, क्योंकि डिफकॉम साहब के पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, वो होगा। तो मैंने पहले बोला कि ट्रांसपोर्ट के पास चक्का है। आज चक्के ने अपना दमखम दिखाया है, आज अपनी पावर दिखाई है। अभी भी आप मीडिया हैं, आपका बहुत अच्छा सोर्स है, आप दिल्ली चैनल लगा के देख लिए, इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, जो उन्होंने टाइम मांगा कल बिल्कुल गाड़ियां चलेगी, वो आकलन करके गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा भाई ये केंद्र सरकार करेगी फैसला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा कि ये भाई सियासी मुद्दा है, तो आपको लगता है यहाँ पर आने से समय मसला हल हो जाएगा? ऐसा है, हमें तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये सियासी मुद्दा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मसला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ही हमारी बात हुई थी, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डिफकॉम साहब हैं, क्योंकि हमने पहले भी जो रिप्रेजेंटेशन दी थी डिफकॉम साहब के भाया डिफकॉम साहब के ही हमने दिल्ली पहुंचाई थी। तो आज तो यहाँ पर साफ तौर पर जो अब बात निकल कर सामने आई है कि 5 तारीख तक का समय जो है वो मांगा गया है, 5 तारीख तक का समय ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि आप 5 तारीख तक रुकिए, उस दौरान दिल्ली में बातचीत जो है वो की जाएगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम से दिल्ली में बातचीत की जाएगी, और ये कोशिश की जाएगी कि सरोवर टोल प्लाजा का मसला हल कर लिया जाए। तो आज जो हाई लेवल बैठक का यहाँ पर चली उसमें यही फैसला हुआ कि 5 तारीख तक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपना चक्का जाम स्थगित करेंगे, और उससे पहले पहले जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कोशिश करेंगे कि सरोवर का मसला हल हो जाए। यानी कि आज जो एक उम्मीद थी कि शायद सरोवर टोल प्लाजा आज हट जाए, सस्पेंड हो जाए, वैसा नहीं हुआ, और एक बार फिर से समय ही दिया गया है, और अब देखना ये होगा कि जो समय लिया गया है क्या ये समय कुछ साथ में लेकर आता है, यानी कि ये फ्रूटफुल टाइम निकलता है, या फिर एक बार फिर से जो है वो खाली हाथ ही ट्रांसपोर्टर्स को बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें रहना पड़ेगा, और टोल का मसला जैसा है वैसा ही बना रहेगा। नमस्कार।